इस वक्त नाजरीन हम मौजूद हैं हैदरी मार्केट में आया था और तकरीबन रात के इस वक्त 2:15 बज रहे हैं। उसके बावजूद लोगों की यहाँ आमदोरफ़्त बहुत ज़्यादा है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो आपको दिखा सकें इस वक्त आसपास के मनाजिर अगर मुमकिन हो तो। मज़ीद तकरीबन इस वक्त रात के 2:15 बज रहे हैं और आज 29वां रोज़ा है, कल ईद नहीं है, कल एक और रोज़ा होगा। तो मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, आए। वालेकुम अस्सलाम। शॉपिंग के हवाले से जानना चाह रहे थे, शॉपिंग कंप्लीट हो गई आपकी? हाँ तकरीबन हो गई है, सिर्फ एक बच्चे के शूज की तलाश है, बच्चे को पसंद ही नहीं आ रहा है, एक हफ्ते से हम इनको लेके चल रहे हैं। ये बहुत इन्होंने मतलब अफसोसनाक खबर सुनाई है कि बच्चे को शूज पसंद नहीं आ रहे और वो मिल भी नहीं रहे। वो बच्चा जो ये सामने खड़ा है पसंद ही नहीं आ रहा, हम थक गए, हमने कहा रिटर्न होते, बस एक ही। कौन से शूज पसंद नहीं आ रहे तुम्हें? आज समीर, ये समीर नाम इनका, ये शर्मा रहे इधर आने में। तो मजीद एक और भी यहाँ पर हीरो मौजूद हैं, इनकी तरफ कैमरा मैन से दरखास्त है कैमरा करें। बेटा आपका नाम क्या है? सैयद। सैयद हैदर नाम है भाई इनका। आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई? जी। क्या क्या लिया? शूज, कुर्ता शलवार, पैंट। वाह भाई माशाल्लाह, इनकी शॉपिंग तो पूरी कंप्लीट हो गई है। मजीद आंटी मुझे ये बताएं कि पहले आप मुझे बताएं, मैं अगर आपको आंटी बोलूँ आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आप जो कह ले, बाजी कह ले, आंटी कह ले, आप सब चलता है। चले ठीक है, फिर मैं आपको बाजी कह लेता हूँ। अच्छा ये बताएं कपड़े वगैरह सिल गए आपके? जी बिल्कुल, हमने स्ट्रेचेबल भी लिया है और स्टिच भी करवाया है। अच्छा यानी अगर नहीं सिलते तो पक्की बात थी कि दर्जी की शामत थी? हाँ दर्जी की शामत थी, हम तो दर्जियों के दौड़ के चक्कर में, तो हमने जो है वो रेडीमेड लिया है। और ईद के हवाले से कुछ ऐसा भी होता है ना कि थोड़े स्पेशल टाइप की स्टिचिंग चाहिए होती है तो दर्जी की जरूरत पड़ती है? हाँ बिल्कुल पड़ती, वैसे भी हमने स्टिच करवाई है, उस तरह की भी करवाई है, थोड़ी स्टाइलिश और घर जो बाकी है कि रेडीमेड भी हमने लिया है, हमें कलेक्शन अच्छे लगे, हमने लिया, पसंद किया। बहुत शुक्रिया। और मजीद इसके अलावा जानना चाहूँगा रेट्स के हवाले से कुछ बताएं, पिछले साल बहुत अपने बहुत ज़्यादा हाई किया हुआ है इन्होंने, तकरीबन 1100 से छोटे बच्चों के 200-300 में उन्होंने इजाफा किया हुआ है, बड़ों में 700-800 उन्होंने इजाफा किया हुआ है। लास्ट ईयर ज़्यादा यानी कि रिजनेबल था इस साल के बनस्बत। सही, तो आप बता रही हैं यानी कि इस दफ़ा पिछले साल से ज़्यादा महंगाई कुछ है? महंगाई शूज़ में तो मैं काफ़ी देख रही हूँ कि स्नीकर्स जो है वो 600 के, यहाँ तो 12-13 के दे रहे हैं। हाँ ये बात आप ठीक कह रही हैं, यहाँ पे कुछ महंगे होते हैं रेट्स लेकिन वैरायटीज भी मिल जाती हैं यहाँ पे। लास्ट डे रहेंगे, 2 दिन तो अपना फायदा उठाएंगे ना, वो तो कहेंगे भाई जितना लूटना है लूट लो, इन्हें जितना कमाने कमा लो। ठीक है, मजीद बाकी सबकी शॉपिंग कम्प्लीट हो गई, बच्चे वगैरह खुश हैं? हाँ बस सब कुछ, बस एक बच्चे को बस दुआ करेंगे उसे पसंद आ जाए। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए, हम और हमारे नाजरीन मिलके कि इनके बेटे को शूज़ पसंद आ जाए, समीर को शूज़ पसंद आ जाए। इस वक्त हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची मौजूद है, आए इनसे बात करके देखते हैं इनके ईद की कितनी तैयारियां हो गई हैं। बेटा आपका नाम क्या है? दुआ। दुआ नाम है माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है, दुआ नाम है इनका। आपने ईद की शॉपिंग कर ली? जी। किसके साथ की? अपनी पप्पा और पापा के साथ की है। क्या क्या लिया आपने? सब कुछ। सब कुछ ले लिया? फ्रॉक ली है या पैंट शर्ट ली है? सब कुछ। सब कुछ ले लिया, चप्पल भी ले ली, सैंडल भी ले ली, शूज भी ले लिए? चलें कहाँ से लिया आपने? इसी मार्केट से लिया? चलें ठीक है। और इसके अलावा बताएं ईद में पहले दिन आप क्या पहनेंगी? फ्रॉक पहनेंगी? किस कलर की फ्रॉक? फ्रॉक करें किस कलर की? गरारा पहनोगी? अरे वाह भाई ये गरारा पहनेंगी। गरारा किस कलर का है? पिंक कलर का होगा। पिंक कलर। चले भाई ये इन्होंने सारी चीजें ले ली हैं और गरारा भी लिया है इन्होंने पिंक कलर का, ईद के दिन गरारा पहनेंगी। खातून मिली हैं, आए इनसे बात करके देखते हैं ईद की शॉपिंग के हवाले से इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शॉपिंग करने के लिए आई हैं आप? जी बिल्कुल। हैदरी मार्केट प्रेफर करती हैं? बिल्कुल।
तो मजीद मैं जानना चाहूँगा, शॉपिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, अभी कुछ बाकी है? नहीं, छोटी मोटी चीज़ें तो अभी भी बाकी है, वो एंड टाइम तक बाकी ही रहती है। एंड टाइम तक। ये एक अच्छा हो गया आपके लिए कि आज चांद नजर नहीं आया और कल ईद नहीं है। हाँ, कह सकते हैं ये अच्छा है, सारी औरतों के लिए ही अच्छा है तकरीबन। ये बात आपने अच्छी कर दी। मजीद फिर आपसे मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ, मुझे ये बताएं कि वैरायटीज इस दफा ज्यादा अच्छी है या पिछले साल ज्यादा बेहतर? नहीं नहीं, हर आधे सालों के साथ ही वैरायटीज चेंज होती रहती है, जाहिर है फैशन साल के साथ चेंज होते रहते हैं। तो मजीद आप कह रही हैं कि कुछ चीजें बाकी रह गई? जी बिल्कुल। तो वो भी आपने हैदरी से ही मार्केटिंग करनी? बिल्कुल, मैं यहीं से ही शॉपिंग करती। बाकी कपड़े वगैरह सिल गए आपके? वरना दर्जी की शामत थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। शॉपिंग के हवाले से अंकल? जी बिल्कुल। बच्चों को शॉपिंग करवाने? जी। थका दिया होगा बच्चों ने? नहीं नहीं, बच्चे तो ईद ही इसी का नाम है, बच्चों से थकाने का। हाँ ये बात भी सही है। बेटा आपका नाम क्या है? इल्मा। इल्मा, और आपका? आयशा। इल्मा और आयशा दो बड़ी प्यारी सी बच्चियाँ मौजूद है, आप लोग इनसे पूछते हैं, आपने शॉपिंग कर ली? जी। आपने भी कर ली? जी। क्या क्या लिया? कपड़े ले लिए? जी। चप्पलें भी ले ली? जी। किस कलर के लिए सूट ईद के पहले दिन के लिए? भाई पीच कलर का इन्होंने सूट लिया, बड़ा प्यारा सा। तो इनकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई अंकल? बिल्कुल। आप थक गए होंगे, आपने अपनी की? अपनी तो सबसे पहले की है। अपनी सबसे पहले की, ये काम अच्छा कर दिया इन्होंने। अब तक वैरायटीज खत्म हो जाती हैं, बच्चों में अमूमन ज्यादातर वैरायटीज मिल जाती हैं। और मजीद आप यहाँ पे चिप्स ले रहे हैं, भूख लग रही होगी, थक गए होंगे? बिल्कुल, बच्चों के बंदा शॉपिंग करके थक भी जाता है, कुछ खाने पीने का दिल करता है। और अभी कल एक और रोजा है, उसकी भी तैयारी होगी आपकी इंशाल्लाह। तो सहरी से पहले घर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। चलिए फिर बाकी इंशाल्लाह परसों ईद होगी, हमें दुआ में जरूर याद रखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मलाबिस अल हबीब शॉप पे, मैं अक्सर यहीं से शॉपिंग करता हूँ, इनसे खासी जान पहचान भी है, दोस्ती यारी भी है। अस्सलाम वालेकुम जमाज भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? और सुनाए कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बस बहुत बुरा है, आज की चांद रात ना होने की वजह से। चांद रात ना होने की वजह से तो एक फायदा हो गया ना आपको, कल का भी दिन मिल जाएगा। तो हमें उल्टा नुकसान हो गया ना, जो चीज़ हमारी आज बिकनी थी वो दो दिन में डिवाइड हो गई है, सेल जो नहीं हो पा रही उस हिसाब से। ठीक है, मजीद कह रहे हैं सेल नहीं हो पा रही है। मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ, मैंने काफी ज्यादा रश देखा वहाँ पे, तो क्या वो टाल मटोल घूमने वाले लोग हैं? जी, ज़्यादातर वो जितने भी लोग हैं ज़्यादातर घूमने फिरने वाले और एंटरटेनमेंट करने वाले लोग हैं, मतलब खरीदारी नहीं कर रहे। अच्छा, जैसे कि अगर रेशो रखा जाए तो 100% में से 40% खरीदार हैं, 60% घूमने फिरने वाले। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मजीद मुझे बताएं कि पिछले साल से इस दफ़ा कदरे बेहतर वैराइटीज़ हैं और सेल है या उससे कम है? सेल उसी के बराबर है, पर वैरायटी हर दुकानदार ने उससे ज़्यादा अच्छी और उससे ज़्यादा जो ज़बरदस्त रखी। हाँ माशाल्लाह वैरायटी तो मुझे नज़र आ रही है। रेट भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, इस दफ़ा इन्होंने सेल नहीं लगाई, वरना पिछले दफ़ा 50% ऑफ की सेल लगाई हुई थी। तो इस दफ़ा सेल ना लगाने की वजह जुम्माज भाई? कल लगाएगी इंशाल्लाह, चांद रात को लगती है ना वो सेल तो। अरे हाँ भूल गया था, माजरत। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं क्या कहना चाहूँगा, आप ये कहना चाहेंगे कि काम कर करके आप थक गए या कस्टमर कम थे? बस भाई बहुत थक गए हम लोग, बस अब घर जाना है बस। अब इन्होंने घर जाना है, लेकिन इनके लिए बैड न्यूज़ हो गई कि कल एक और दिन इनको काम करना है। बस भाई ये जल्दी जल्दी से चांद रात हो जाए बस। आपने अपनी शॉपिंग कर ली? नहीं भाई, क्यों नहीं करी, कब करेंगे? अब देखो टाइम ही नहीं मिल रहा है। मजीद मैंने ये देखा है कि दुकान वालों का जो शॉपकीपर्स होते हैं उनका रुझान होता है कि चांद रात को जाते वक्त शॉपिंग करेंगे, या तो उनको सेल अच्छी मिलती है या तो टाइम नहीं मिलता, ये सवालिया निशान है जो कि हमेशा रहेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं ड्रेसिंग कोड नाम की एक दुकान है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी वैरायटीज़ हैं यहाँ। मजीद उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम सर? मोहम्मद हसनैन अली। हसनैन भाई मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा जो शॉपिंग के हवाले से लोग आ रहे हैं, मतलब पिछले साल से कुछ बेहतर है या कमी है कुछ?
पिछले साल से बहुत कम हुई है, बिकॉज़ कि यहाँ पे गर्मी शुरू के रमज़ान में ये हुआ कि गर्मी के हिसाब से बहुत जो है आवाम जो है छटना शुरू हो गई। और अभी भी आपके सामने देखिए मार्केट का माहौल देख सकते हैं कि आज 29वां रोज़ा है और कारोबार की क्या सिचुएशन है। 29वां रोज़ा है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रात का टाइम भी तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। रात का टाइम ज़्यादा हो गया, हमने ऐसे भी सीज़न देखे हैं यहाँ पे कि शहरी हम लोग दुकान भी करके जाते थे, लेकिन अब ऐसा कारोबार का सिस्टम ऐसा हो गया कि हम लोग को शहरी घर पे आराम सुकून से मिलती है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं महंगाई के हवाले से ऐसा हो रहा है या गर्मी की वजह से? महंगाई के हिसाब से भी है, लेकिन महंगाई की नस्बत गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जो है लोग जो है ज़्यादातर मॉल्स वगैरह चले जाते हैं, इन जगहों पे चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक ही जगह के अंदर सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, मज़ीद आपने अपनी शॉपिंग कर ली ईद के हवाले से? हमारी शॉपिंग क्या, हम तो चांद रात पे ही कर रहे हैं, हमारी शॉपिंग चल जाती बराबर में, हमारी बड़ी शॉप है वहाँ से हो जाती है हमारी शॉपिंग। और वैरायटीज़ में आपके पास क्या, बच्चों की भी है, बड़ों की भी है? ये बड़ों की है, हर तरीके की वैरायटी, जैसा आप कहेंगे आपको हर तरीके से मिल जाएगी वैरायटी। इन्होंने सेल भी लगाई हुई है यहाँ पे अप टू 20% ऑफ, और यहाँ बड़ी प्यारी प्यारी वास्कोट हैं, कोट्स हैं बच्चों के बड़ों के, तो आप एक दफ़ा विजिट ज़रूर करें, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। इस वक्त हैदरी मार्केट में हम मौजूद हैं, जैसा कि आपको बताया था काफ़ी थक गए हैं इंटरव्यूज़ करते करते, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है ख़वातीनों का, तो उसमें घुसना थोड़ा मुनासिब नहीं लग रहा, तो बाकी जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ भी रश बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है सर आप? फहद नाम है मेरा। फहद नाम है, फहद मुस्तफ़ा? नहीं, फहद अली। फहद अली, फहद भाई क्या करने आए आप यहाँ पे? यहाँ पे मैं कुर्ता एक्सचेंज करने आया था। कुर्ता एक्सचेंज करने? शॉपिंग नहीं की? शॉपिंग नहीं करता मैं यार। शॉपिंग की तभी तो कुर्ता लिया। वो मेरे वालिद साहब का था। अच्छा, वालिद साहब का, अम्मी ने शॉपिंग करी। ओहो, ये तो सैड सीन हो गया, बेटे पे वो आ गया, कुर्ता बड़ा आ गया, बर्डन आ गया। सॉरी। चले, और मजीद इसके हवाले से बताएं फहद भाई, कल ईद होगी या नहीं होगी? नहीं, इंशाल्लाह कल ईद नहीं है, कल रोज़ा रखेंगे। कल का रोज़ा रखेंगे? बिल्कुल, पूरे तीस करेंगे बिल्कुल। चलें इंशाल्लाह, हम भी कल का रोज़ा रख के पूरे 30 रोज़े करेंगे। इसके अलावा मजीद बताएं फहद भाई, महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, शॉपिंग कैसी है? महंगाई के हवाले से ये है कि एंड टाइम पे जब शॉपिंग का टाइम आता है ना, फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है चीज़ें, जो 500-600। वैसे मर्दों में तो ऐसा नहीं होता, 500-600 रुपए का कुर्ता मिला, 1000 रुपए में पैंट शर्ट मिली, 500 रुपए के जूते हो गए भाई शॉपिंग। नहीं ना, क्वालिटी की बात होती है, अगर 700 वाली क्वालिटी है तो वो 1100-1200 की दे रहे हैं, ऐसी कोई जब ही ज़्यादातर लोग शॉपिंग नहीं। क्वालिटी के हवाले से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, माशाल्लाह इन्होंने सूट भी अच्छा पहना हुआ है। अब अगर ब्रांडेड चीज़ है वो 2000 रुपये पहुँचाई हुई, हालांकि वो 1300-1400 की मिलती है। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर सिर्फ ब्रांड का नाम लगा के चीज़ को बहुत महंगा कर दिया जाता है तो उसकी वजह से हर कोई नहीं खरीद पाता और हर कोई नहीं पहन पाता। मजीद इसके हवाले से ये बताएं, चीफ जस्टिस साहब ने ईदी दी है हमें, मालूम है आपको? नहीं, ये मुझे नहीं पता। उन्होंने ईदी ये दी है कि अब आप 100 रुपए का बैलेंस डलवाएंगे तो पूरे 100 रुपए आएंगे। हाँ, याद आ गया। याद आ गया, अच्छे काम याद नहीं रहते। बिल्कुल नहीं, दरअसल टाइम वो नहीं देखता, न्यूज़ नहीं देखता मैं। अच्छा, न्यूज़ नहीं देखते? बिल्कुल। बाकी सोशल मीडिया पे आप ऑन रहते हैं? नहीं, वो भी कभी कभार व्हाट्सएप यूज़ होता है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मजीद आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारा यूट्यूब पे चैनल है AMK एंटरटेनमेंट के नाम से, आप उसे सर्च करें, विजिट करें और सब्सक्राइब भी करें हमारी, उस पर ढेरों वीडियोस मौजूद हैं मज़े मज़े की, तो आप उसे विजिट ज़रूर कीजिएगा और आप भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। हाँ, बिल्कुल। या अभी मुँह पे कह रहे हैं? नहीं, करेंगे ज़रूर। अच्छा, थोड़ा हंस के बात करें? हाँ, करेंगे बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया बात। हमारे साथ एक आंटी मौजूद हैं, मजीद इनसे इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं, ईद के बारे में इनकी क्या राय है और खरीदारी के हवाले से इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शॉपिंग कर ली आंटी आपने? नहीं बेटा, अभी आई हूँ बस, मैं फौजी कर लूँ बच्चों के लिए कुछ, कर ली को याद रहती है, पूरी शॉप होती भी नहीं, जितनी भी करते हैं दिल करते हैं और करो। तो अभी कितनी दफ़ा आ चुकी हैं आप शॉपिंग के हवाले से? ये मैं 5-6 दफ़ा आ चुकी हूँ यहीं पे। 5-6 दफ़ा माशाल्लाह आ चुकी हैं, शॉपिंग अभी भी मुकम्मल नहीं हुई है? अभी पूरी नहीं हुई है, अब देखो कल रात आने का इरादा है, आई तो आई नहीं तो बस। हाँ इंशाल्लाह, वैसे कोशिश उम्मीद तो यही है कि कल भी एक रोज़ा होगा और आज चांद रात नहीं है, तो मतलब बच्चों की शॉपिंग हो गई सिर्फ आपकी बाकी है या उनकी भी बाकी है? बेटा कुछ समझ नहीं आती, बच्चों की अपनी मिक्स हो गई है,
बच्चों की कर रहे हैं, अपनी भी कर रहे हैं, अब देखे कहाँ तक पहुँचते हैं। चले माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे आपको ईद। और इसके हवाले से मजीद महंगाई के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? महंगाई तो इतनी आसमान पे चढ़ी, उसके बेटा बात कर भी नहीं सकते, अल्लाह माने के महंगाई इतनी महंगाई, इतने 1000 रुपया लेके आते हैं, एक चीज आते हैं 1000 रुपये। बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, महंगाई के हवाले से, महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी परेशानी का सामना होता है। बाकी दुआ करें कि अल्लाह ताला सबकी ईद अच्छे से उनके प्यारों के साथ मना ले। इस वक्त हम मौजूद हैं पारी मॉल के बाहर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? मोनिका। सॉरी, मोनिका हूँ। मोनिका इनका नाम है, तो इनसे मजीद जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी ईद के हवाले से क्या तैयारियाँ, आपकी ईद के हवाले से क्या तैयारियाँ? बस ईद की तैयारी है, शॉपिंग कर रही हैं हम लोग यहाँ पे, और क्या कर रही हैं? और शॉपिंग कर रही हैं। शॉपिंग कर ली या कुछ बाकी है अभी? अभी बाकी कुछ, अभी चप्पल वगैरह लेनी है। अभी चप्पल वगैरह लेना बाकी है और मजीद शॉपिंग हो चुकी है पूरी? बिल्कुल। तो इस वक्त क्या ईद में कुछ खास क्या करने का इरादा आपका, कहाँ जाने का इरादा है अपने प्यारों से मिलने के लिए? कहाँ रहते होंगे वो? मैं फैमिली में रहती हूँ। फैमिली में ही रहती है? फैमिली यहीं कराची में रहती है? हाँ, आयशा मंदिर में। जैसा कि नाज़रीन आपने जाना, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी मोनिका, इनकी ईद की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, सिर्फ चप्पल लेना बाकी रह गई है और इनके प्यारे भी ईद में ही रह यहाँ कराची में ही रहते हैं और ये उनके ही साथ ईद मनाएंगे। इस वक्त नाज़रीन हमारे जाने का टाइम हो रहा है, काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की, कुछ लोगों ने कैमरा बंद रखने को कहा तो हमने उनसे भी बात की कैमरा बंद रख कर, लेकिन लोगों के तासुरात यही हैं कि काफ़ी महंगाई का सामना है उनको और वैराइटीज़ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, रेट्स में भी कुछ मतलब फ़र्क है ज़्यादा हैं और पिछले साल से बेहतर वैरायटी। मजीद ये हमारे कैमरा मैन थे नुमान भाई, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये हमारे एडवाइज़र तला भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यूट्यूब पे हमारा चैनल है, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, AMK एंटरटेनमेंट, नाम ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया।